सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 वेरिएंट के बारे में। आप लोगों ने रिसेंटली में देखा कि सैमसंग के A7 2018 वेरिएंट में आपको सैमसंग ने खुश कर दिया और यहाँ पर सैमसंग ने आपको प्रोवाइड किया एंड्रॉयड पाई, साथ में सैमसंग का वन UI का अपडेट। तब तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि भाई सैमसंग ने इसमें एंड्रॉयड पाई का अपडेट दे दिया, लेकिन वो जो खुशी थी वो बस एक दो दिन की थी। मतलब उस अपडेट के बाद इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब मैं अपने स्मार्टफोन को ठीक से यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो बहुत लोगों को मैं कमेंट देखा कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। तो ये अपने डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है वो है नेटवर्क इशू में। मतलब मेरा यहाँ मैं दो सिम यूज़ करता हूँ, एक सिम मेरा J7 प्राइम में है जियो का और एक है इसमें जियो का सैमसंग के A7 में। लेकिन सैमसंग का जो J7 प्राइम है उसमें परफेक्टली चलता है, उसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आ रहा है। लेकिन इस फ़ोन में मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जियो का सिम, मतलब मुझे बार बार एयरप्लेन मोड को ऑन करना पड़ रहा है या फिर फ़ोन को रिस्टार्ट करना पड़ रहा है। तब जाके मैं दो तीन बार कस्टमर केयर में कॉल किया, उन्होंने कुछ सेटिंग बताए, मैंने वो सेटिंग भी ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं दो सिम यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में आपको वोल्टेज दिखाया जा रहा है, एक है एयरटेल का और दूसरा है जियो का। एक नंबर मैं जियो का रखा हूँ और दूसरे नंबर में एयरटेल का है। तो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कि मैं मतलब बार बार मेरे फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ा या फिर फ़ोन को रजिस्टर करना पड़ा या फिर एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ करना पड़ रहा है। तो जियो को जल्दी बाइनरी अपडेट देना चाहिए था। मुझे पता है कि यार मेजर अपडेट में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन इतना दिक्कत कुछ ऐप्स के बारे में मैं जिसमें काम करता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ ऐप्स है, जिस तरह से हो गया पावर डायरेक्टर जिसमें मैं अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसके बाद मैं जिस ऐप से वीडियो मतलब अपने ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, यह है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, इससे मैं अपने वीडियोज़ को एडिट करता हूँ, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर मैं कुछ करता हूँ तो फ़ोन लेग हो रहा है, फ़ोन का बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे फास्ट ड्रेन हो रहा है। पबजी खेल रहा हूँ तो पबजी में भी हल्का मुझे लेग हो रहा है। मतलब ये अपडेट मुझे जब पहले बार लगा एक दिन के लिए मैं यूज़ कर तो कोई भी दिक्कत नहीं आया, लेकिन जैसे मैं अपने डेली जो वर्क करते हैं वो करने लगा तो भाई साहब इसमें तो दिक्कत, मतलब सैमसंग ने अपडेट दिया है कि बग दिया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बैटरी काफ़ी फास्ट ड्रेन हो रहा है, अभी देख सकते कि 9:25 हो रहा है और लगभग मैं 9 फुल चार्ज किया था बैटरी को। अब देख सकते हैं कि मतलब 26 मिनट में 18% मतलब ख़त्म हो गया और अभी तक मैं सिर्फ थोड़ा सा फ़ोन का जो नेट है ऑन करके कुछ टॉपिक सर्च कर रहा था यूट्यूब वीडियो के लिए, तो इतना जल्दी इतना बैटरी ख़त्म हो गया। चार्जिंग में कोई इशू नहीं है, चार्जिंग जो जितना टाइम पहले ले रहा था उतना ही टाइम अभी भी ले रहा है, लेकिन हाँ बैटरी ड्रेन थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर फास्ट हो रहा है। कैमरा की बात करें तो कैमरा का बहुत लोग बोल रहे थे, बात करते हैं कैमरा के तो कैमरा का इंटरफेस तो यहाँ पर सैमसंग ने चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो सुपर स्लो मोशन है वो और स्लो मोशन में कोई अभी अंतर है नहीं। मतलब उतना कुछ सैमसंग ने यहाँ पर जो किया है कैमरा के साथ, तो मैं बस सैमसंग से इतना मतलब एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपडेट दे दिया बहुत ही अच्छी बात है, आपने टाइम के पहले ही अपडेट दिया बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, लेकिन अब एक बाइनरी अपडेट दे के ये जितने भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप सॉल्व कर दीजिए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई सॉल्व बताइए, भाई मेरे हाथ में कोई सॉल्व तो नहीं है ना, मैं खुद इस प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या सॉल्व बताऊँ। मैं बस इतना बोलूँगा मैं एक दो बार कस्टमर केयर में कॉल किया, अगर आप भी एक दो बार अपने कस्टमर केयर में कॉल कीजिए और वहाँ से अगर आपको कुछ मदद होता है तो आप कर लीजिए, वो लोग कुछ सेटिंग बताते हैं, अच्छे सेटिंग होते हैं, कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अब अपने फ़ोन से रिगार्डिंग आपको जो भी इशू आ रहा है उससे रिगार्डिंग आप फ़ोन कीजिए कस्टमर केयर में और वो लोग कुछ सॉल्व बताएंगे, वो कर लीजिएगा, वो कुछ कुछ प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाती है, यह मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप वेट करते हैं कि सैमसंग का इसमें आपको बाइनरी अपडेट देगा और तब जाके ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो बस इतना ही है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है सैमसंग को जल्दी यहाँ पर अपडेट दे देना चाहिए। मेरा तो यार नेटवर्क इशू ना बहुत ही ज़्यादा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं इस फ़ोन का नेटवर्क अभी यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना J7 प्राइम को वाईफाई से इसमें कनेक्ट करके यूज़ कर रहा हूँ, क्या बोले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है उनको बोले कि भाई अभी रुक जाओ, जब तक बाइनरी अपडेट सैमसंग नहीं दे देता है तब तक आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट मत कीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना प्लीज़ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।